दुनिया की सबसे सुंदर फैक्ट्री लगाई है, हमने एक ताजमहल बनाया है और इतना सुंदर बनाया है कि इच्छा की कि हम सभी को बुला के अपना ताजमहल दिखाएं। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी अच्छी फैक्ट्री बनी कि आज मुझे उस पर गर्व है, और गर्व जो है ओसो टीम पर, हमारे ग्राहकों पर, क्योंकि हमें ग्राहकों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया, सहयोग दिया। और आज पूरे इंडिया का कोई प्रिंटर ऐसा नहीं है, कन्वर्टर ऐसा नहीं है जिसमें ओसो की चर्चा ना होती हो पूरे इंडिया में। इंटरनेशनल क्वालिटी और लुकिंग लाइक ए फाइव स्टार फैक्ट्री, ये फाइव स्टार होटल लग रहा है, ये फैक्ट्री लग रही है। ओशो की लीला ना बहुत न्यारी न्यारी है, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कैफे और जर्मनी में आ गया हूँ। ओशो का टीम का काम यही है कि दूसरों को बड़ा करके हमको बड़ा होना है, तो होके ही रहेगा। This is the first time I've seen a factory like what I saw today. यहाँ पर सब लोगों ने ओशो इंडस्ट्रीज, ओशो परिवार की बहुत तारीफ की है और वो तारीफ के काबिल है। I don't think private platform पे ऐसा कभी भी हुआ होगा कि एक ही इंडस्ट्री के अलग अलग लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं। सभी कन्वर्टर की तरफ से और सभी मशीन मैन्युफैक्चर की तरफ से हम सब आपके आभारी हैं सर। हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और इवेंट करने का रीज़न भी कहीं ना कहीं ये था कि पूरी इंडस्ट्री को हमने एक जगह पे लाके खड़ा कर देना था, पूरी इंडस्ट्री को दिखाना था कि हाँ हम सब साथ हैं, ओशो फ्लेक्सिबल आप सबके साथ में है, हमारी हर एक मशीन, हर एक टेक्नोलॉजी, एक एक चीज़, एक एक अंश, एक एक कोना हमारी फैक्ट्री का आपके लिए खुला हुआ है। सारे इंडस्ट्री वाले, सारे हमारे क्लाइंट्स, सारे कस्टमर्स और सारे हमारे सप्लायर्स हैं, जो सारे मशीन्स सप्लायर्स हैं, वो सब आए अंडर वन रूफ, हम लोग बैठे, हम लोग डिस्कशंस करें और इसको और आउटपुट्स निकले, बातों से हेल्दी डिस्कशंस हों, चीज़ें आउटपुट निकले, सब हमारा देखे कॉन्सेप्ट जाके, तो हमारा इवेंट करने का मकसद यही होता है। हम कोई भी एग्जीबिशन करते हैं या कोई भी हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो वी आर नेवर एबल टू मीट सो मेनी कस्टमर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। हद कोई भी इवेंट करता है तो इट्स डन फॉर अ डे और मैक्सिमम फॉर अ वीकेंड, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया 8 दिन का इवेंट करने के लिए, तो हम लोगों ने इसको डेडिकेट किया फॉर ईच इंडस्ट्री, वी हैव डेडिकेटेड अ डे, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम डे वन, दैट इज डेडिकेटेड टू ब्रेड, डे टू इज डेडिकेटेड टू बेकरी एंड स्नैक्स एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने 8 दिन का इवेंट इसलिए किया कि हम हर कस्टमर को अपने पास बुलाएं और हर कस्टमर को इनफ टाइम दे पाएं, वरना एक ही दिन में बुलाएंगे हम किसी के साथ बैठ भी नहीं पाएंगे। सो वी वांट आवर कस्टमर फील दैट ही इज इम्पोर्टेंट टू अस। ओशो नमस्कार। आज हमारे बीच किट्टी ब्रेड से रमेश माघो जी, हार्वेस्ट ब्रेड से रवि गुप्ता जी, जे बी फरसान उल्लासनगर से भाई साहब जी, काफ़ी जने आए, परफेक्ट ब्रेड से धुर जी, जो इंडिया के ब्रेड के मालिक हैं सब लोग, वो हमारे यहाँ आए। और मतलब जब हमने बिजनेस की शुरुआत की, कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के लोग हमारे यहाँ कभी आएंगे, जो आज आए हैं, और मुझे कितनी खुशी है, मैं इसका कोई बयान शब्दों में नहीं करने की स्थिति में हूँ। 2009 से मैं जुड़ा हूँ गुप्ता जी के साथ, कई बार बिजनेस में बातें होती हैं, तीखी बातें होती हैं, मगर प्रतीक गुप्ता ऐसी चीज़ है, हंसी है, गुस्से नाम की चीज़ ही नहीं है। आदमी बड़ा गुस्से में होता है, ये करें जब इनसे बात करो सारी बात खत्म। कमाल का आदमी, हमने काम किया है, म्यूचुअल बेनिफिट है, हमें बहुत फायदा हुआ है। 10 साल में आज तक एक कंप्लेंट नहीं डिस्पैच की, ऑन टाइम। द काइंड ऑफ एनर्जी, द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी विच इज विजिबल इन द कंप्लीट ओशो फैमिली इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग टू लर्न। बहुत कम लोगों से बहुत हाई स्पीड काम हो रहा है, वर्ल्ड क्लास मशीन है। गुप्ता जी वैसे ही फैंटास्टिक हैं, अब ऊपर से मशीनें फैंटास्टिक ले आई है। इस बार मेरा काफी नुकसान हुआ है यहाँ के, इनका ये नया ऑफिस देख के ना, अब मेरे को अपना ऑफिस तोड़ना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा।
निश्चित रूप से एक विजन क्लियर है कि काम करना है, बेहतर करना है, शानदार करना है, ईमानदारी से करना है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और ग्राहकों से कहता हूँ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी तरक्की कराते रहें, हमें फाइनेंस करते रहें ताकि हम बढ़ते रहें और कोशिश करें कि हम हर साल एक प्रोग्राम ऐसा जरूर करें। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। हमारे जो है तीन पार्टनर हैं, हम लोगों की 9 जनों की टीम है। मेरा बेटा अवनीत गुप्ता, नीति गुप्ता, मैं, 3 जने हमें। एक मेहता परिवार से हैं, निखिल मेहता, सागर मेहता, धीरज मेहता। और एक हमारे दूसरे गुप्ता फैमिली से हैं, पराग गुप्ता, पराग गुप्ता की मिसिज अपर्णा गुप्ता और चिराग गुप्ता। ये हमारी टीम है। ओशो नमस्कार। आज हमारे बीच चंदू भाई वीरानी जी, मालिक बालाजी वेफर्स राजकोट से हमारे बीच हैं। लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कहीं प्रदीप तू सपना तो नहीं देख रहा। ओशो नमस्कार। मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मैं एक छोटे गांव का, मेरे, आपने देखा ना, मेरे फादर, मेरे सिस्टर के एक फार्मर थे। आज लोगों को ज़्यादा चिंता है, मेरे को सिर्फ 2 रोटी की चिंता थी उसी टाइम। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान था, इंसान की एक पहचान करवानी थी, ये गोल था। हम तो नारायण नारायण करते रहे, लक्ष्मी अपने आप आई। ओशो इंडस्ट्रीज की बात करूं तो दे आर कमिटेड टू देयर स्टेक होल्डर्स। वो अपने वेंडर्स का भी उतना ही ख्याल रखते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज का भी उतना ही ख्याल करते हैं, वो उनके यहाँ अगर कोई चाय पिलाने वाला भी है तो उसको भी वो इज्जत और सम्मान देते हैं। हम लोग 3 चीजों पे काम करते हैं। अगर हमारे पास 3 चीजें हैं, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो विजन हो, तीनों का एक साथ मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है हमारे पास तो शायद हम उतना अच्छा आगे नहीं ग्रोथ कर सकते। I have never seen such boldness in the entire industry that Pradeep ji is calling his competitors although we are very small in front of him. आप लोग सिर्फ लोग नहीं हो, आप लोग एक ओशो फैमिली हो। थैंक यू ओशो फैमिली। अक्टूबर में हमने सोचा था कि हम ओशो फ्लेक्सिबल्स के साथ आएंगे। ऑब्वियसली ये प्रदीप गुप्ता जी का ब्रेन चाइल्ड है ओशो फ्लेक्सिबल्स। वो टाइम था ओशो फ्लेक्सिबल्स के साथ आने का, काम को और आगे बढ़ाने का, एक नई मशीनरी के साथ आने का, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आने का। तो ओशो फ्लेक्सिबल्स को लाया गया। 80% लोगों ने मोहर लगाई है कि फैक्ट्री बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है जैसे हम जर्मनी के अंदर खड़े हों। और वास्तव में इसे बनाने के लिए हमारे किरण पांडे जी और सचिन गर्ग जी ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की। मेरा एक्सीडेंट हो गया 29 सितंबर को, तो मैं 3 महीने बेड पे रहा। वो बेचारे घर पे आए, बेड पे उसकी सारी स्कीमें बनी, सारे डिजाइन बने, सारे सिस्टम बने, सब काम उसी पे हुआ है। ओशो नमस्कार। चंदू भाई वीरानी जी को मैंने कल 12 बजे एयरपोर्ट से रिसीव किया था और कल से अब तक मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया है। और उनके कल से अब तक आने में मेरे अंदर ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा। इनसे मिलना, इनकी बात को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। चंदू भाई वीरानी जी से हर आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। कुदरत अखरोट की तरह पैकिंग करती है, कुदरत जो मूंगफली की तरह पैकिंग करते है, उसी तरह का एक कुदरत ने जो चीज़ बनाई है उसको संभाल के रखने का काम, मतलब ओशो। ये पैकिंग ऐसा करते हैं तो इसके वजह से जो सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ गया, तो ये एक साझेदार बोलते हैं ना। मैंने बोला कि हमारे लाखों करोड़ों साथीदार हैं, तभी हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन ओशो आज लगता है फैमिली जैसा हो गया है।
तो सोच से बिजनेस बनता है, निर्णय से बिजनेस बनता है, सही समय पे सही डिसीजन से बिजनेस बनता है। जितना ही मालूम था, ना कोई समझ थी ना कोई इंजीनियर था, लेकिन हिम्मत थी। We have got 2 new CI Flexos from Germany. We have got 3 multi-layer blown film lines with the automation from Plast Control Germany. We have got 1 new wicket line from Hudson Sharp, Belgium. From CI Flexo to Rotogravure, our printing solutions are as diverse as our clients. Osho Namaskar. कि मेरा कहना है कि हम अपने आप को स्ट्रोंग करें। अगर हम स्ट्रोंग नहीं करेंगे अपने को, तो कोई भी हमें उड़ा के ले जाएगा। और स्ट्रोंग कैसे करेंगे? जब हम ग्राहक की तरफ झुकेंगे, हम ग्राहक को अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा सिस्टम देंगे, अच्छा रेट देंगे, तो हमारा ग्राहक, अगर हम वास्तव में अच्छा काम करते हैं, तो हमारा ग्राहक कहीं भी शिफ्ट नहीं होने का। आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फीलिंग्स यहाँ पर आई। एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जो मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की शान तो है ही, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की शान है। शुभकामनाएं देता हूँ ओशो फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज को कि खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, और जो काम कर रहे हैं ये वाकई एक देश के प्रति एक सच्ची समर्पण भावना है। तो मेरी तरफ से पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आई फील प्रिविलेज टू कनेक्ट टू ओशो इंडस्ट्रीज। दे आर द वंस हु कुड match our creative skills as far as the design is concerned, and the packaging and the finishing of the colors, design, everything. काम करने का मजा जब ही आता है जब कोई सामने कंपटीशन के लिए हो, तो मैं ये चाहूंगी कि उन सब के होते हुए हमें अपने हौसलों को, हमें अपने काम को किसी भी चीज में कम मानना ही नहीं है, बल्कि हमें पता चलता है कि यदि हमारे सामने कोई कंपटीशन के लिए खड़ा है, तो हमें किन ऊंचाइयों को छूना है ताकि उनके आने का कोई फर्क हम पर पड़े ही नहीं। आई वुड अगेन लाइक टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल हु विजिटेड आवर फैक्ट्री एंड गेव अस देयर प्रीशियस टाइम। समवन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम गोरखपुर, समवन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम यूपी, समवन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई, बैंगलोर, वन ऑफ माई सप्लायर्स केम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ देम केम ऑल द वे फ्रॉम इटली। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ओशो आई बिलीव कि इतने लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, हमें बिलीव करते हैं। ओशो नमस्कार। मेरे को लगभग 20 साल हो गए। एक बहुत बढ़िया है फैक्ट्री, तो हर चीज़ प्रॉपर है, तरीके से है, बहुत अच्छी है। एक छोटा सा जो पेड़ है वो आज इतना वटवृक्ष के समान मुझे लगा है कि बहुत ही मन खुश हुआ मेरा। लगभग 12 साल हो गए हमें यहाँ ओशो इंडस्ट्री में प्रदीप जी के साथ जुड़े हुए। बहुत अच्छा यूनिट लगाया है इन्होंने, पहले से काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन के अंदर इन्होंने इंक्रीज किया है, नए नए क्लाइंट्स जोड़े हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। ये हमारे सभी सीनियर स्टाफ हैं, और मतलब कहीं ना कहीं मैं अपनी पंपिंग करने में कामयाब हो सकता हूँ। आज इनके लिए क्या है, केवल प्रदीप गुप्ता है जो कुछ है, और कोई नहीं है। भले इन्हें कोई 4 गुनी ओवर दे, 6 गुनी ओवर दे, 2 गुनी ओवर दे, 3 गुनी ओवर दे, कुछ भी ओवर दे, ओनली प्रदीप गुप्ता। ओशो नमस्कार। दूर दूर से आए हमारे सभी मेहमान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपना परिचय जरूर कराएं। वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर। नई आपकी फैक्ट्री देखी, वी आर डिलाइटेड बाय योर सक्सेस, एंड इट इज इंस्पायरिंग टू अस, एंड हम भी वो देख के और बेटर होना चाहेंगे। हम लोग 5 चीजों को मेन मुख्यता देते हैं फैक्ट्री में। नंबर 1 पे फाइनेंसर्स को, नंबर 2 सप्लायर्स, नंबर 3 कस्टमर, नंबर 4 स्टाफ, और नंबर 5 अकाउंट्स। इन 5 चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। शायद इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने की है। हमारी सेल 2008 में 10 लाख रुपए की थी, जो आज 10 करोड़ रुपए की है, और बहुत जल्दी उम्मीद है हम बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आज ओशो के साथ जुड़े हुए हम लोगों को 8 से 10 साल हो गए हैं। उस 10 सालों में हम लोग
एक वेंडर का रिलेशन नहीं, एक फैमिली का रिलेशन मेंटेन कर चुके हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले आदमी है, इसीलिए 10 लाख एक महीने की सेल से 10 करोड़ एक महीने की सेल इनकी पहुंची है। ही इज कंप्लीटली गॉन केस, ही इज ब्यूटिफुल। आई थिंक ही लिव्स अ लाइफ मोमेंटरी, डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट, एंड विद सच पॉजिटिविटी दैट नेगेटिविटी का तो कोई वर्ड नहीं है उधर, बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई लव यू फॉर दैट। तो आज हमने जो काम किया है इस यूनिट में, ओशो फ्लेक्सिबल लिमिटेड में, वो हम कहीं भी वर्ल्ड में इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में किसी भी कंपनी से पीछे नहीं है। जो कोई कंपनी अच्छे से अच्छा काम कर सकती है उसका मुकाबला हम बहुत ही करने में बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है। काम हमें बहुत करना है, बहुत ज्यादा करना है, लेकिन खुशी के साथ करना है। तो वो खुशी तभी मिलेगी जब उस काम को मस्ती के साथ करेंगे और खुशी के साथ करेंगे। जो भी काम करना है 100% हंस के करना है, 100% बढ़िया तरह से करना है, अच्छे ढंग से करना है, समझदारी से करना है। तो सुबह सुबह 7 बजे उठ के तय करते हैं कि आज हमें दिन कौन सा मनाना है। हैप्पी डे मनाना, वेरी हैप्पी डे मनाना, एक्सीलेंट मनाना, कोई ना कोई बात तय करके फिर उस दिन हम उस आधार पर चलते हैं डेली कि तय कर लिया वेरी हैप्पी डे है आज। तो भाई तो चाहे वो कुछ भी हो, नुकसान हो नफा हो, हमारा हैप्पी डे है। नमस्कार। कि मेरा पूरा विश्वास है कि इस इवेंट के बाद हम काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेंगे। ये ऐसा ही इवेंट हमने 2 साल पहले भी किया था, जिसके इवेंट करने के बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि बाजार में क्या होता है, कुछ अलग करते हैं तो चर्चा बनती है, और चर्चा के बाद में काम कुछ ना कुछ होता ही है। We cannot expect a better validation than what Osho Flexible has given us. I hope Osho continues to grow leaps and bounds year after year, aur hamara saath aise hi banta rahe. Thank you so much. Inhone jitna support kiya hai, that is unmatchable. So I would like Pradeep ji to keep supporting us till the horizon. Thank you. जहाँ से इनकी सोच शुरू होती है हम वहाँ सोच भी नहीं पाते। तो जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स को जो प्लेटफॉर्म और सप्लायर्स को जो प्लेटफॉर्म इन्होंने आज यहाँ दिया है, ये सही में एक एडवेंचरस स्टेप है, साहसिक कदम है। इतनी साहसिकता और करेज शायद कोई कन्वर्टर ने आज तक तो दिखाई नहीं है। It's an absolute incredible feat what they've done there. They should be proud of the company. I took a lot of videos, and Hudson Sharp, if you don't know, is an American company, and I will be sending those videos back to America and promoting India and Osho as well, because it's actually a wonderful thing that they did today. Thank you. I really want to say I have never seen in my 28 years of career the person, the way Mr. Pradeep Gupta keeps his relations. Wishing Osho Packaging many, many successes for the wonderful people they are and the wonderful company they have exhibited today to be, and hope they are a template for future flexo converters in India. They are today being talked about in the country, in the world, and I'm very confident in the next, I won't say couple of years, in 1 year, they will be one of the leading flexible packaging company in the world. Thank you. निश्चित रूप से इंडिया में इस लेवल का ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्लांट जो है, मुझे नहीं लगता कहीं इस तरह का कहीं और देखने को मिल पाएगा। I visited almost maybe more than 100 plants, but this is one of the best I have seen ever. इतना सुंदर प्लांट, इतना वेल मेंटेन्ड प्लांट और इतना मैनेज्ड प्लांट कि जैसे हम जर्मनी के किसी प्लांट में आ गए हैं। और 20 साल में शायद मैंने ऐसी पैकेजिंग कंपनी नहीं देखी जो आज मुझे यहाँ देख कर लगा। As we all could see that
most of the 9 members are young. They have a long career ahead and we hope they take the company to really new heights. Osho is such an inspiration for all of us. Thank you. Bada maza aaya. Phir kab milenge? Aap bulayenge tab aayenge. Thank you. Osho namaskar. ओशो के साथ जुड़े हुए मुझे आज अराउंड 10 इयर्स होने वाले हैं और इस कंपनी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हम लोग इस कंपनी में एज ए फैमिली ही काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गुप्ता जी। This plant, I think it is one of the best plants I have ever seen in India. तो हमारी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम से हम सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो निश्चित रूप से एक नई पहचान एक दूसरे की बनेगी और उससे सभी को लाभ होगा। सभी लोगों ने चाल चांद लगाए हमारी महफिल में एंड I would like to thank everyone for being so supportive. Thank you a lot for being here. अभी तो हमने 2 साल बाद किया लेकिन इस बार मेरी इच्छा है कि हम एक तीसरी फैक्ट्री बना के इन दोनों से बड़ी और 1 साल में हम फिर आपको इनवाइट करें। ओशो नमस्कार।